तभी यहाँ पर दूसरी तरफ मार्शियन मैनहंटर अभी भी मार्स पर था और वो अब एक ग्रीन लैंटर्न बन चुका था और वो अपने ही 25th एनिवर्सरी पर जस्टिस लीग के जरिए प्रेज हो रहा था और वो अब एक ग्रीन लैंटर्न बन चुका था और पार्टी के बाद सभी जस्टिस लीग मेंबर्स एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। और ये सब होने के बाद आखिर में मार्शियन मैनहंटर अपने डॉग को फीड करने के लिए जाता है कुछ कुकीज के साथ, लेकिन तभी वो डॉग मार्शियन मैनहंटर को काट लेता है और तब मार्शियन मैनहंटर कहता है ये ऐसा कभी नहीं करती, ये कभी भी किसी को नहीं काटती। तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो सुबह से हंग्री है और इग्नोर की गई है, शायद इसी वजह से वो ऐसा कर रही हो। तब वो अपनी डॉगी की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ है, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे अंदर ले जाती है और तब जब उसकी आंखें खुलती है तब उसकी डॉक्टर उसे कुछ बता रही थी। तब वो उसके थॉट्स पढ़ते हुए कहता है तुम्हारे थॉट्स टेंजिबल्स है, ब्लड और यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। तब वो कहती है इससे भी बहुत बुरा, जिसका मर्डर हुआ है वो बैटमैन है। और तभी हम देखते हैं बैटमैन को मरा हुआ और वहाँ पर उस वेन्यू पर पहुँचते ही सबसे पहले मार्शियन मैनहंटर रिंग से कहता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर के लिए स्कैन करो और रिंग तुरंत ही ये कर देती है। और यहाँ पर बैटमैन कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था जिसे मार्शियन मैनहंटर पढ़ता है, जिसके लव्स अभी भी आधे थे। और यहाँ पर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि तुम्हारे आखिर के इंट्रूजन के लिए मैं तैयार नहीं था, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आ पाया। और यहाँ पर उसके बॉडी की जांच करने के बाद उसे पता चलता है कि उसे पल्स बुलेट्स के साथ शूट किया गया है और वो कहता है कि ये पर्सनल है। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है, कौन हो सकता है कि जो बैटमैन को मार सके। इसका मतलब यह है कि पूरी जेल एक खतरे में है। और यहाँ पर वो कहता है कि सबको वार्न करो और वहां से उड़कर वो सभी लोगों को ढूंढने लगता है। और तभी हमें मार्शियन मैनहंटर के थॉट्स सुनाई देते हैं जो कहता है यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो विक्ट्री ऑफ फियर सेलिब्रेट करना चाहता है और कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि लाइट को शट ऑफ करना चाहता है और उन लोगों को मारकर जो हमारे बीच है, उन अच्छे लोगों को मारकर जो हमारे साथ है। किसी ने मेरे दोस्तों को मार दिया है और अब 25 सालों में पहली बार अपने आप से मुझे नफरत होने लगी है। यहाँ पर वो मैनहंटर्स की एक मीटिंग बुलाकर कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि जेल है और उसी के साथ जस्टिस अब खतरे में है और हम सब जस्टिस के सर्वेंट्स हैं। तो मैं आप सबको एक साइकिक प्रोब में बांध रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन उस वजह से हम सबको सुपर हीरोज को ढूंढने में आसानी मिलेगी। और होता भी ऐसा ही है, वो सुपरमैन को ढूंढ लेता है जो अभी तक जिंदा था, जो कि मार्स के डीप में था। और वो वहां पर जाते हुए सोच रहा था कि ये अंडरग्राउंड सिक्योरिटी बंकर है जहाँ पर हम खतरनाक मुजरिमों को रखते हैं। और जहाँ पहुंचते ही वो देखता है कि सुपरमैन एक क्रिप्टोनाइट मास्क के साथ घिरा हुआ है और वो उसे निकालता है और कहता है अच्छा हुआ ये अभी तक नहीं मरा। और उसकी बेटी उसके माइंड को टटोल रही थी और कह रही थी कि शायद उसे पता हो कि ये सब किया किसने या फिर इसके पीछे इसी का हाथ हो। तब मार्शियन मैनहंटर गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं और क्या मतलब कि इसके पीछे इसका हाथ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जस्टिस लीग का मेंबर है और उसे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी। और वो अपनी बेटी से दूर सुपरमैन को सन की तरफ ले जाता है और उसे रिचार्ज करने लगता है। और जब सुपरमैन होश में आता है तब वो उससे पूछने लगता है, तब सुपरमैन बताता है कि उन्होंने क्रिप्टोनाइट यूज किया, मुझे देखने का मौका भी नहीं मिला कि कौन था। तब वो कहता है कल रिचार्ज कर लो क्योंकि क्रिप्टोनाइट अब जा चुका है और सन की रेज अपने अंदर संभालो, अपनी फुल पावर के साथ तैयार हो जाओ, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तब सुपरमैन पूछता है कि जॉन आखिर बात क्या है, मैं तुम्हारे चेहरे पर टेंशन देख रहा हूँ। तब वो कहता है कि पूरी लीग मर चुकी है, हमारे सारे दोस्त मर चुके हैं। तब सुपरमैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उनके पास ले चलो। और तब मार्शियन मैनहंटर सुपरमैन को वहीं पर ले जाता है जहाँ पर सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स रखे हुए थे जो कि मर चुके थे। और उनको देखते हुए सुपरमैन बहुत ही दुखी हो जाता है। और यहाँ पर मार्शियन मैनहंटर उससे कहता है कि हमें हमारे दिल को आर्म कर लेना चाहिए उस सबके एवेंज के लिए, उन सबको मारने के लिए, और हमें उन सबकी मौत का बदला लेना है। तब सुपरमैन आगे कहता है हाँ हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि जेल के सबसे पावरफुल दो मेंबर्स अभी भी जिंदा है और
हम दोनों उन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगे, उन लोगों को मार देंगे। यहाँ पर मार्शल मैनहंटर उससे कह रहा था, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता काल कि तुम क्रिप्टॉन के आखिरी बचे सन हो, कि तुम लास्ट सन हो क्रिप्टॉन के, और तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। यहाँ पर मार्शल मैनहंटर आगे कहता है, मुझे हमेशा से ही डेड प्लैनेट देखने की आदत थी और मैं अभी भी उसकी आवाज और उसकी गूंज सुन सकता हूँ। ऐसा लगता है जो कल की ही बात है, और ये सब एक टुमारो की तरह है। ये जिंदा हुए लोग, ये जिंदा हुई सारी हरियाली, ये कल आने वाले सपने की तरह है जो कभी आ ही नहीं रहा है। और मुझे लास्ट सन ऑफ मार्स बनने के बजाय फर्स्ट सन ऑफ मार्स बनने में ज्यादा खुशी मिलती। और यहाँ पर वो उससे आगे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं ही लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन हूँ। तब सुपरमैन कहता है, नहीं, मेरे माँ बाप के बिन शर्तों वाले प्यार की वजह से मुझे कभी भी लास्ट शब्द का एहसास नहीं हुआ। तब मार्शल मैनहंटर आगे कहता है, लेकिन क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि हर एक क्रिप्टोनियन को अपने हाथों से जमीन में गाड़ा हो। तब वो आगे उसे पूछता है कि क्या तुमने ऐसा किया था जॉन। तब जॉन कहता है, मुझे इसके लिए सालों लग गए और मैं तब तक नहीं रुका जब तक सब कुछ खत्म ना हो गया हो। ऐसा लग रहा था कि वो मिट्टी और मांग रही हो, और लोगों को उसकी भूख मिटी नहीं रही थी। यहाँ पर सुपरमैन मार्शल मैनहंटर से कहता है कि तुमने 25 सालों में जो किया वो इस सब के लिए काफी था, और लाइफ के साथ तुमने जो किया वो सभी तुम कर सकते थे, और अब तुम्हें उस सब को जिंदा रखने के लिए फाइट करनी होगी। तब मार्शल मैनहंटर कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से एग्रीड नहीं हूँ काल। और तभी वो क्रिप्टोनाइट के साथ सुपरमैन को भी मार देता है, और मरते हुए सुपरमैन कह रहा था कि जागो, उठो। और तभी उसे मारकर मार्शल मैनहंटर देखता है कि उसने क्या किया है। तब वो देखता है कि जेएलए के सारे मेंबर्स के शरीर के ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए थे, जो सिंबल्स थे लव और हेट के। और इसी के साथ मार्शल मैनहंटर समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है, और उस भ्रम को तोड़ते हुए और उस सभी जगह को जलाते हुए वो बढ़ता है अपनी लव की तरफ, यानी कि अपनी पत्नी की तरफ। और उसे देखते हुए वो कहता है, मैंने तुम्हें फिगर आउट कर लिया आईडी के, तो अपना बदसूरत चेहरा मुझे दिखाओ, इस सबसे बाहर आओ। और तभी हम देखते हैं डीके और मार्शल मैनहंटर दोनों ही मार्शियंस वहां पर जिंदा थे, बाकी सब लोग मर चुके थे। और यहाँ पर वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अपने गुजरे हुए कल के बजाय अपने आने वाले कल के बारे में सोचोगे, ना कि इसके लिए फाइट करोगे जॉन। तब जॉन कहता है, मैं अपने माइंड के झूठ के लिए फाइट नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। हेडक्वार्टर ऑफ जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका, जहाँ पर कॉन्ग गोरिल्ला यानी के बिल ग्लेन मॉर्गन, जो कि एक ह्यूमन माइंड था जिसने पजेस कर रखी थी एक बॉडी जो कि एक मिथिक और पावरफुल गोल्डन गोरिल्ला की थी, जो कि चेस खेल रहा था स्टारमैन के साथ, यानी कि मिकाल टोमास के साथ, जिसकी पावर्स थी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल स्ट्रेंथ और एक एलियन जेम जो उसे प्रोवाइड करता था उड़ना और एनर्जी प्रोजेक्शन। और यहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि चेस एक बोर्ड गेम नहीं सिर्फ, बल्कि ये इंटेलेक्ट के बीच में वॉर है माइंड्स के बीच में, और वही इसे एक्साइटिंग बनाते हैं। लेकिन तभी उनके चेस बोर्ड पर टार आ जाता है और वहाँ पर नीचे की फर्श पूरी बर्फ से ढक जाती है, जिस पर स्टारमैन कहता है कि हम पर अटैक हुआ है। लेकिन तभी आवाज आती है, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और तब हम देखते हैं फायरस्टॉर्म को, जो कि कह रहा था, क्योंकि मेरी वजह से पूरे यूनिवर्स को खतरा है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरीज है तो भी मुझे कमेंट करें, और इससे पहले के स्टोरीज देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।